और अगर ये गर्मी बढ़ गई सारी दुनिया में, तो वैज्ञानिकों का ये कहना है कि उत्तरी ध्रुव पर जो बर्फ जमा है वो बर्फ बहुत तेजी से पिघलना शुरू हो जाएगी। हमारे भारत देश में जो हिमालय में ग्लेशियर हैं, ये ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएंगे। अगर उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघलती है और हिमालय के ग्लेशियर पिघलते हैं, तो नदियों में पानी बहुत ज्यादा आएगा, और नदियों में पानी का अगर सतह बढ़ती है, तल बढ़ता है, तो ये बढ़ा हुआ नदियों का पानी अंत में जाके समुद्र में मिलेगा, तो समुद्र में पानी बढ़ जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि समुद्र के पानी में थोड़ी सी बढ़ोतरी अगर हो गई, मामूली सी बढ़ोतरी अगर हो गई, समुद्र के पानी में आप कल्पना करिए लगभग 6-7 इंच की वृद्धि अगर हो जाए, वैज्ञानिक तो अनुमान कर रहे हैं कि 12 से 14 इंच की वृद्धि हो सकती है, लेकिन अगर 6 से 7 इंच के समुद्र के पानी के सतह में वृद्धि हो गई, तो आपको बहुत दुख होगा ये जानकर कि दुनिया के बहुत सारे देश उसमें डूब जाएंगे। और दुनिया के देश जो डूबेंगे, उनमें भारत का भी बहुत बड़ा इलाका है जो समुद्र में डूब सकता है। हमारे भारत में आपको मालूम है कि समुद्र के किनारे लगभग 2 लाख गांव